जिले में टंडवा के मगध आम्रपाली कोल परियोजना में निर्धारित कार्यक्रम के तहत यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन ने काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी किसान विरोधी बिल का विरोध किया। कहा कि 26 मई 2014 को एनडीए की मोदी सरकार ने उसी दिन से कोयला मजदूरों के हक अधिकारों का हनन शुरू कर दिया। मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को खत्म कर सरकार के 4 लेबर कोड पारित कर दिया है। मजदूरों के अधिकारों को खत्म कर दिया जा रहा है और सरकारी उपकरणों को पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। कर्मचारियों को 35 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु के बाद जबरन रिटायर करने की योजना केंद्र सरकार लाने जा रही है। रात्रिपाल में महिलाओं को ड्यूटी करने का कानून पास कर दिया गया है। इसी के विरोध में एक दिवसीय काला बिल्ला लगाकर विरोध किया गया है। जब से 26 मई 2014 से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, तब से लगातार मजदूर किसानों के हक अधिकारों पर प्रहार किया जा रहा है। जो भी मजदूर किसानों के हक अधिकार संबंधित जो भी कानून बने थे, उन्हें लगातार निरस्त किया जा रहा है, उन्हें लगातार कमजोर कर पूंजीपतियों को मदद किया जा रहा है। इसका यूनाइटेड कोल वर्कर यूनियन आज पूरे मगध आम्रपाली में काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।